और मैं आपको वो बात बताऊंगा आज जो शायद आप सुनने होंगे टीवी में देखकर कि उत्तर प्रदेश में बड़ा रामराज आ गया है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चले थे 2017 में तो बड़े बड़े कटआउट लगे थे हमारे चौराहों पूरे हिंदुस्तान में, आधी चीनी हम पैदा करते हैं यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर आधा प्रदेश इंडिया करता। प्रधानमंत्री का फोटो था, मुख्यमंत्री फोटो डाल हुआ था, हमसे वादा क्या था कि हम अगर सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर तो 14 दिन के अंदर गन्ने का उत्पादन कराएंगे, अगर गन्ने का उत्पादन 14 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम आपको जो एक नियम है 15 दिन के अंदर उत्पादन करने के एक्ट में वो दिलवाएंगे, हम इधारों को जीत देंगे। आज आजादी के बाद से आज तक सबसे ज्यादा गन्ना बकाया भुगतान उत्तर प्रदेश किसानों का 12,000 करोड़ रुपए आज इस सरकार को मौजूद है, मेरे पास मौजूद है। अब जब हम भुगतान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री बयान देते हैं हमारे उनकी गड़े डरवाना थी, हमने डरवा दिया, भुगतान हमारी जुड़ी में नहीं। तो पहला मेरा सवाल यह है कि जिन किसान की खेती गन्ने की है उनके बच्चे अभी मेरे यहाँ के लड़का ऑल इंडिया मेडिकल में पीजी इलाज करा, उसका पैसे नहीं है, भागा फिर रहा है के पास, बहुत बुरी स्थिति उत्तर धाम की है। दूसरा एक सवाल और है, मोदी जी ने जब जीएसटी लागू की थी तो एक बात साफ की थी कि आज के बाद पूरे देश में एक जीएसटी होगी, रेट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज शायद आपको जानकारी होगी, पूरे हिंदुस्तान में यूरिया खाद का दाम 266 रुपए है, उत्तर प्रदेश में यूरिया आज की तारीख में 245 रुपए पर बैग 45 किलो का। जिस प्रदेश में बिजली के दाम चौगुने कर दिए गए हो, जिस प्रदेश की बिजली बढ़ा दी गई हो, गन्ने का भुगतान ना हो रहा हो, उस प्रदेश के किसानों को यूरिया 250 रुपए सरकार बेची है, एसीटी है टैक्स लगा दी योगी सरकार ने, यह हमारे साथ प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट मैं आपको, मैं जब चुनाव होने थे यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री जी हमारे स्टेट में आए, उनका 200 रैलियों में संबोधन था कि हमारी सरकार यूपी में आप बनाते हो तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पहली कदम से हम उत्तर प्रदेश के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दें। किसानों ने इतना वोट दिया कि शायद आप कर मुक्त हो जाएंगे उत्तर प्रदेश किसान, 325 सीटी हिंदुस्तानी 447 वोट दिया। और जैसे चुनाव निकले और योगी मुख्यमंत्री बने, अगले ही दिन अरुण जेटली कहते हैं दिल्ली से बैठकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मतलब इस लोन के माफ से नहीं है, स्टेट सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क पत्र जारी करती है कि हम 1,00,000 तक के किसानों का लोन माफ करेंगे। उसके बाद फिर क्या जारी करती है, हम क्यों उनका करेंगे जिन्होंने 30 दिसंबर 2016 तक जमा नहीं किया है उनका माफ करेंगे, जिन्होंने जमा किया है उनका माफ नहीं करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरा मजाक किया और फिर जब लोन माफी शुरू हुई तो मैं आपको अपनी हेड ऑफ दारू देखी हुई, मैं लखनऊ जा रहा करीब बैठकर जब हरदोई पहुंचा तो मेरे पास अखबार आया तेरी ग्यारह, और मैंने अखबार पढ़ा, अखबार में एक मंत्री हरदोई आए हुए थे और बहुत बड़ा मेला रहा उन्होंने ऋण माफी का, और ऋण माफी का जो कार्ड था उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो था, और जब ऋण माफी शुरू किए एक किसान को 3 रुपए का ऋण माफ किया, एक को 2 रुपए का ऋण माफ किया, एक को 3 पैसे का ऋण माफ किया, और वो किसान गस खा के गिर गया कहीं में उसको पहुंचा गया अस्पताल, ये मजाक किया। उत्तर प्रदेश के किसानों का लघु सीमांत का 78,000 करोड़ रुपए हमारा था लोन माफ करते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ 20 अरब माफ किया और पूरे देश में टीवी चैनल चला दिए कि उत्तर प्रदेश में पूरा लोन माफ कर दिया। योगी जी गुजरात में जाकर ऐलान किया माफ कराए, महाराष्ट्र में काफी लोन माफ कराए, यूपी के संसद बड़ा बहुत मजाक किया। मैं अगली एक बात की बात करना चाहता हूँ, आप कहते हो कि गेहूं के दाम बढ़ा जाएंगे तो महंगाई आ जाएगी, आप लोग क्या कहेंगे, मेरा सवाल है आपके साथ, गेहूं कोई नहीं खाता, आटा खाते हैं, देश के लोग आटा खाते हैं और आटा किसान तैयार नहीं करता, आटा बड़ी बड़ी फिल्मों में तैयार करती है तो हमसे क्यों करती है। 16 रुपए गेहूं खरीद के हमसे रामदेव जैसे व्यापारी भारत के 40 रुपए किलो पतंजलि का आटा बेच रहे हैं, जिस आटा बनाने में 2 रुपए लगते हैं किलो पर, 2 रुपए खर्चा आता, 16 रुपए 40 रुपए दे रहे हैं और 40 रुपए का आटा दिल्ली जनता खरीद है, तो महंगाई रामदेव बढ़ा रहे हैं, महंगाई देश के व्यापार मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। 16 रुपए धान खरीदती है सरकार, राइट में धान खरीदती है, कोई धान नहीं खाता, तब चावल खाते हैं, चावल हम नहीं बनाते देश के किसान, चावल राइट में बनाते हैं,
16 रुपए का धान का चावल किसान का 80 रुपए मोल बिक गया, महंगाई कौन पा रहा, दूध हम पैदा कर रहे हैं हमारा 16 रुपए रहेगा, मिल्क प्रोडक्ट का दाम कम नहीं हुआ, वो हमने बना रहे इंडस्ट्री बना रही है। मैं कल्याण पूरा गाँव आया हम लोग पीछे करते की कोटी के पीछे गाँव आप चले आऊँ एक सेकंड बस, टमाटर 1000 हेक्टेयर जमीन है किसान बल्कि आप जाकर आप मैं आपको आह्वान करता हूँ आप आए हम लोग 1 रुपये किलो टमाटर 2.5 किलोमीटर सड़क पर टमाटर की बखेर के ढेर लगा दिए हैं, टमाटर रुपये किलो है लेकिन सॉस 5 स्टार होटल में टमाटर का सॉस उनको कितने भाव है, वो 2 ग्राम का 10 रुपये का वो तो मंदा नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन है ये धान मंदा होता है चावल मंदे नहीं होते, गेहूं मंदा होता आटा मंदा नहीं होता, दूध मंदा मंडल मंदिर होते हैं, 6 मंदा होता है एप्रिल पूरे मंदिर होते हैं, टोटल रॉ मटेरियल जो भारत का है रॉ मटेरियल लूट हो रही है और वो जो बायो प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग वो देश को लूट रहे हैं और सरकार कहती है कि एमएसपी बढ़ाएंगे तो हम बगावत आ जाएगी पैसा खराब हो जाएगी, एमएसपी क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमसे न्यूनतम में हो गया, मॉल में बॉल में क्या होगा धान रहेगा न्यूनतम प्राइस पर, चावल में क्या रिटेल मैक्सिमम प्राइस पर, ये मैं कहता हूँ। तो हमारा निवेदन ये है कि आंदोलन चल रहा पर हम तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जब तक खाद्य दाम कम नहीं होंगे गन्ने का भुगतान नहीं होगा किसानों का और हमारी भी समस्या समाज समझ नहीं होगी, टमाटर के लोगों को कंपोशिट नहीं किया जाएगा किसान क्यों नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जाएगा।